अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। हेलो, सलाम करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बच्चों की हो रही है स्कूल जाने की तैयारी और मैं बना रही हूँ हेयर शलीमा के। एक साइड से बन चुके और एक साइड से बन रहे, और वहाँ पे हस्बैंड की चल रही है एक्सरसाइज। चले आए, इधर आ जाए, जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करें। अचलीना का नाश्ता चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसके हेयर बना रही हूँ। और अंशरा गई हुई है वॉशरूम, वॉशरूम से आ जाएं तो फिर अंशरा के भी हेयर बनाते हैं जल्दी से। और आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ मैं, आप लोग सपोर्ट करें अच्छे से। तो चले बाल बनाते हैं, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। अब आप पिकनिक का तो बता दें। थर्सडे को पिकनिक है बच्चों की स्कूल में, है ना? कहाँ जा रहे हैं वो शलीना कहाँ जा रही है ये बाद में बताएंगे। जिस दिन जाएगी शलीना उस दिन बताएगी, है ना? थर्सडे को जा रहे हैं और देखते हैं कहाँ पिकनिक पे जा रही है। ये अंशरा भी आ गई है मैडम, और आके सलाम तो करे ही नहीं अभी तक। अंशरा रेडी हो गई है, बस इसके भी हेयर बनाने। दोनों बच्चियां रेडी हैं, इनके हेयर बनाने, बस जल्दी से पहनने चले, जल्दी जल्दी निकले। कौन सी वो रही बोतल? दोनों की बोतल वहां रखी है, जल्दी से ले लें और निकले जल्दी जल्दी से, टाइम जाया नहीं करो। मार दी, चले जल्दी से जाए। क्या नीचे यहाँ पे भी करेंगे? क्या यहाँ पे करनी? क्या जल्दी से, शाबाश, अल्लाह हाफिज। पुच्ची पुच्ची करना जरूरी होता है। सही है, अल्लाह हाफिज। सब जाए आप लोग, बारिश का मौसम। जाए बच्चों की फरमाइश के मुताबिक, ऊपर से भी देखना पड़ेगा। बस सारी सफाई हो गई है, ये देखें। आप लोगों को दिखाऊंगी अभी व्लॉग में ना कि आज क्या हुआ है घर में हमारे नीट एंड क्लीन। बच्चे जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। चलो जी, बच्चे तो गए हैं स्कूल और अब हम चलते हैं अंदर। तो गाइस, मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी, ये यहाँ पर बहुत गंद कबाड़ा, इधर सारे में गंद पड़ा हुआ था जो कि मेरे हस्बैंड ने सेट कर दिया। और ये देखिए बच्चे यहाँ बैठ के खेल कर गए कल। अब मैं आप लोगों को अपने मुर्गी मरोगी दिखाऊँ, वो देखिए वो कहाँ पर घूम रहा है, वो कहाँ घूम रहा है। खैर चलते हैं। और बस ये कल सफाई हुई है, सारी कचरा फेंका है नीचे। अभी मैं आप लोगों को कचरा दिखाती हूँ, इतना कचरा निकला है, देख रहे हैं ना? तो भाई इतना सारा कचरा निकला है, और अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े वॉश हो गए हैं और अभी बस सूख रहे हैं। कल ही वॉश किए थे क्योंकि मेरी हेल्पर गई हुई है छुट्टियों पर, तो इस वजह से हमने कपड़े वॉश खुद करे हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और बनाते हैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। तैयारी करनी है लंच की, ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके साथ साथ मुझे लंच की तैयारी करनी है। उसके लिए समझ तो खैर नहीं आता कि क्या बनाएं, लेकिन सोच रही हूँ कि दाल पका लूँ, दाल चावल। तो उसके लिए दाल निकाल लेती हूँ, पहले ये वाली ले लेंगे पहले की, उसके बाद फिर ये दूसरे निकालेंगे। तो मैं बना लेती हूँ आज दाल। अभी चल रहा है सफाई का काम, क्योंकि आप लोगों को बताया था ना हेल्पर गई हुई मेरी, तो सारे काम अब खुद ही करने पड़ते हैं। क्या करें, करना पड़ता है, अपना घर है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला हमारे घर का काम, राइट? मिट्टी देख रहे हैं, हवा इस कदर चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। मैं आप लोगों को दिखाऊं ज़रा, मेरा ट्री देखो, ये देखो हवा चल रही है और बहुत तेज़ चल रही है।
तो उसकी वजह से ना मिट्टी बहुत आ रही है। सुबह सफाई कर चुकी हूँ मैं सारी, ये देखें सारे घर की सफाई मैं सुबह कर चुकी हूँ। अभी तो 1:30 बज रहा है, अजानें हो रही हैं, अभी फिर दोबारा से मैं ये मिट्टी निकाल रही हूँ, क्योंकि वाइट फर्श है ना मेरा, तो इस पर मिट्टी ज़्यादा नज़र आती है। और ये देखें इस बच्चे का बम फटा हुआ है सर में, बालों का क्या हाल हुआ है, क्या हो गया हैं, मुझसे बोलें सलाम तो कर दें, सलाम भी नहीं करेंगी। इसके स्लीपर देखें ज़रा, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें छोटी छोटी सी स्लीपर हैं पहने, ये देखें ज़रा ये देखें जैसे पैर ऐसी छोटी छोटी सी इसकी स्लीपर्स भी हैं ये ज़रा। चलें भाई अपना काम कंप्लीट करते हैं, फिर नमाज भी पढ़नी है, जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करें। ये देखें कुछ बच्चों की स्लीपर से आती है मिट्टी, स्लीपर की जगह वहाँ सामने नीचे बनी हुई है, ये देखें ये री ये स्लीपर की जगह है, लेकिन हमारे जो छोटे ये नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं ना, ये स्लीपर ऊपर तक लेके आते हैं, अब इनको तो कुछ कह नहीं सकते ना। चले भाई मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं। ये मेरा बाउल टूट चुका है आज के आज, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ये देख रहे हैं ना, ये खा खा के ये एक हशर हो गया मेरा ना, इतनी मैंने मेडिसिन खाई है, इतनी दवाइयाँ खाई हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ये देखें यहाँ से आ रही है हमारी नेचुरल लाइट, और मोहम्मद अरशान देख रहे हैं इस वक्त कार्टून, और ये देखें ये टैबलेट्स के ये सब फेंकने पड़ रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरे बेटे साहब है ना तो ये बार बार खाते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ जस्ट शावर लेने, क्योंकि इसमें है गर्म तेज़ गर्म पानी, और ये मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल थोड़ी सी दोबारा से सेट की है जैसे कि पहले हुआ करती थी, सेम ऐसे ही जब मेरे बच्चे नहीं थे तीनों, और अशलीना थी जब वो क्रॉलिंग करती थी उस वक्त तक ये मेरा ड्रेसिंग टेबल एज इट इज़ सजा रहता था, बल्कि इससे ज़्यादा ही होता था, पूरा ही भर देती थी मैं। तो जब अशलीना खड़ी होना स्टार्ट हुई, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप दो स्टेप रखना स्टार्ट किए, तो उनका हाथ यहाँ पर जाने लग गया। वो इतनी चीटर थी, कुशन रखती थी और कुशन के ऊपर चढ़ के यहाँ कारिस्तानियाँ करती थी मेरे मेकअप की। तो अभी बस मैंने कुछ ख़ास ख़ास ही रखा है जो कि मैं डेली बेसिस पर यूज़ करती हूँ, लिपस्टिक वगैरह रखी है कुछ, देख रही थी कौन कौन सी अभी क्या सही है क्या ख़राब हो गया, तो वो कुछ जो सही था वो रख लिया, जो ख़राब हो गया हटा दिया। ये कुछ लिपस्टिक हैं जो मैं लगाती हूँ अलग अलग कलर्स की, तो वो मैंने ऊपर रख ली हैं, ये भी लिपस्टिक हैं, इसमें लिपस्टिक हैं, और ये मेरा हो गया शेडो, इसको आईज़ पे भी लगा लें, इसमें शाइनर भी है, इसमें ब्लश भी है, तो इसलिए। और बाकी ये ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ पेंसिल्स, आई पेंसिल है, लिप पेंसिल हैं, ये है लाइनर मस्कारा हो गया, बाकी तो आपको पता ही है परफ्यूम्स है, पाउडर है, लोशन है, क्रीम वगैरह, ये सब चीज़ें। तो ऐसे तो अभी बस चलते हैं नहाने के लिए। अल्लाह अकबर, बाल्टी का हाल देख रहे हैं, ये पूरी वाइट हो गई है जस्ट खारे पानी की वजह से, खारा पानी आता और इतना खारा आता था पहले, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है। बस अभी लेते हैं शावर और थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं बीमार बीमार बीमार, तबीयत कुछ अजीब सी हुई हुई थी, और किचन में बन रहा था खाना और मैं पका चुकी हूँ। खाने में मैंने क्या पकाया अरशान? अमरूद, अमरूद बोलते हैं, दुपट्टा तो छोड़ दें, क्या दवा गुआवा। भाई मैं अरशान को एक पूरा बड़ा गावा काट के दे चुकी हूँ और अरशान ने वो खा लिया था, और अब मैं अरशान से कह रही हूँ कि आप एक अब बेर खा लें, एक और गावा मांग रहे अरशान, और अब मैं अरशान को एक और गावा दे नहीं सकती क्योंकि फिर मोशन हो जाते हैं, ये ज़्यादा गावा खाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ जस्ट फ्रेश होने। अरशान मुझे नहाने दो, सर में इतना दर्द हो रहा है, और आज कोई मैं 3 दिन बाद उठी हूँ और इतनी बुरी हालत हुई हुई थी, 3 दिन नहीं 4-5 दिन हो गए, और बहुत बहुत ज़्यादा फीवर था मुझे, बहुत तेज है। कुरकुरा पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो अभी भाई मैं नहाने जा रही हूँ, मैं इनकी बात नहीं सुनती क्या? दूध पियेंगे, फीडर पी लें भाई, मैं इनका मामला निपटा लूँ, उसके बाद मिलते हैं फ्रेश होने के बाद, किचन में मिलेंगे। दाल चावल रेडी है मेरे, और ये देखिए धुआं निकल रहा है, और यहाँ पर रेडी हो रहा है बस तड़का, ये रेडी हो गया तड़का भी। तड़के में दो ही चीज़ें डाल रही हूँ,
जीरा लहसुन नहीं डालती, गैस चली गई है तो इसलिए सिलेंडर यूज़ हो रहा है। और अब इसको डाल देते हैं इसके अंदर, उसको लगा देते हैं लिड। मज़ेदार सा, ये देखिए एक बार इसकी मज़ेदार सी दाल चावल रेडी है और सैलेड भी रेडी है यहाँ पर मज़ेदार। बच्चे भी रेडी हैं खाने के लिए, बच्चे खा रहे हैं। ये देखें ये पापड़ हैं, पापड़ स्नैक्स जो होते हैं फिश स्टाइल में हैं। मैं तो मेरी तरह ना अंचरा बता लिए, लास्ट में मैं खाना खत्म कर लिया। क्यों भाई अंचरा? लास्ट में मजा आता है खाने में। सब बच्चे खाना खा रहे हैं अपना अपना। देखें अंचरा, शलीना, मोहम्मद अरशान और ये आ गई अभिषा, अलीशा और ये आ गई अभिषा। सब बच्चे खा रहे हैं, चलें चलें जल्दी से खाएं।